सो गाइज, आज की वीडियो में हम एक पीसी के सीपीयू को रिपेयर करने वाले हैं। ये जो सीपीयू है, ये इसमें जो है पावर नहीं जा रही है, और तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप करिए वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर ये जो सीपीयू है ये वर्क नहीं कर रहा है। इसकी जो वायर है वो मैंने बोर्ड पर कनेक्ट कर दी है, और यहाँ पर ये इसके साथ बिल्कुल अच्छे से कनेक्टेड है। मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। एक बार यहाँ से मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है, और यहाँ से ये पावर बटन ऑन करने से भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अभी इसको कैसे ठीक करते हैं। यहाँ पर ओपन कर लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी सारी वायर्स अभी अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो अभी मैं इसको ऑन कर बताता हूँ। यहाँ से मैंने सप्लाई ऑन कर दी है, और इसका यहाँ पर फैन भी रोटेट नहीं कर रहा है। आगे से पावर बटन ऑन करने पर भी ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ से सप्लाई बंद कर दूंगा। रोटेट नहीं कर रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा SMPS है वो ख़राब है। तो अभी हम SMPS को टेस्ट करेंगे कि वो ख़राब है या ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी वायर्स इसमें लगी हुई हैं SMPS के साथ जो कनेक्टेड हैं, उन सभी वायर्स को हम अलग कर लेंगे हमारे मदरबोर्ड से। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी भी SMPS के साथ कनेक्टेड वायर हैं उन सबको मैंने हटा लिया है। और इसकी जो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली वायर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो है सिर्फ एक ही डार्क ग्रीन कलर की वायर होगी, आपको उसको ढूंढना है। और उसी के साथ में एक ब्लैक कलर की वायर होगी, आपको उसको ढूंढना है। और अब आपको लेनी है कोई भी एक छोटी सी वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है एक नॉर्मल वायर है। इसको मैं ये जो ग्रीन वाली वायर है और ये जो ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक वाली वायर जो है वो ग्राउंड की है। इन दोनों को मैं आपस में शॉर्ट करूँगा इस वायर की हेल्प से। और जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो उस टाइम आपके SMPS की कोई भी वायर जो है आपके CPU से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फ़ैन तब भी रोटेट नहीं करेगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन और ब्लैक में अच्छे से कनेक्ट कर लिए। ब्लैक वायर यहाँ पर ग्राउंड की है, और यहाँ से कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं यहाँ से सप्लाई को करता हूँ ऑन। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप एक साउंड सुन सकते हैं, इसका जो ये वाला पंखा है घूम रहा है, और आपको यहाँ पर हवा भी फील होगी। तो मतलब हमारा जो SMPS है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम कहीं और है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इसके आगे के वो पावर स्विच में। तो देखते हैं अभी उसको ठीक करके। पैनल है उसको भी ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ से दो वायर केबल्स को हटा लिया है, और यहाँ पर ये है इसके मेन जो इसका पावर स्विच होता है उसकी वायर्स, और यहाँ पर जो है एक स्विच लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्विच है ये है इसका पावर का स्विच। तो अभी हम इस स्विच को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से ओपन कर लिया है, और मैंने यहाँ से इसका पैनल भी ओपन कर लिया है। इसकी जो केबल्स हैं यहाँ से मैंने दो हटा दी हैं, आपको पता होगा। और यहाँ से जो इसका स्विच है, ये वाला जो पावर स्विच पे लगा हुआ था, ये ख़राब है बिल्कुल। इसको मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि मेरे पास ऐसा स्विच पड़ा हुआ था। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो ऐसे स्विच का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक या 2 रुपये के अंदर आपको ये लोकल मार्केट में मिलेगा, पर ऑनलाइन ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके बताता हूँ CPU को। तो मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है, और यहाँ से अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। सारी केबल्स मैंने इसकी जोड़ दी हैं, और यहाँ से इसका ये वाला स्विच ख़राब था, मैंने इसके अंदर से निकाल लिया। और अब जैसे ही मैंने इसको ऑन करा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये काम करना शुरू कर दिया है। अभी ये ऑन होगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, और अभी एक बीप की आवाज़ आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा CPU यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। तो अगर आपका CPU पावर ना ले रहा हो तो उसका यही मतलब नहीं कि जो इसका SMPS है वो ख़राब है, इसके और भी स्विच या फिर वायर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको बड़े ही आराम से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो करिए वीडियो को लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।